हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। सो गाइस, आज है संडे और अभी घर में सबका ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ थोड़ा सा काम, तो मैं यहाँ पर ये कपड़े ढूँढ रही थी, गर्म कपड़े बच्चों के, जो कि यहाँ पर मम्मी के पास रखे हुए थे पहले के। तो मम्मी के बेडरूम में आप लोग हमेशा ये साइड में एक सेठी देखते हैं जिसके ऊपर एक सीट पड़ी हुई है और उसके नीचे रखा हुआ है बहुत सारा सामान। और ये सेठी साइड में बैठने के भी काम आती है, इसके अंदर बहुत सारा सामान रहता है। तो मैं यहाँ पर अभी गर्म कपड़े निकाल रही थी और पापा जी के थोड़े से कपड़े देख रही हूँ, और कपड़े ढूंढते ढूंढते मुझे यहाँ पर मिले हैं थोड़े से भगवान जी की ड्रेसेस, जो कि लास्ट ईयर मम्मी ने बनाए थे। तो बहुत ही अच्छे कपड़े बनाए थे और अभी सर्दी फिर से आ गई है तो ये सारे कपड़े काम आने वाले हैं। तो जैसे कि ठंडी वाली जो चादर है, जो अब हमें सर्दियों में यूज़ नहीं करनी है, उनको सबको फोल्ड करके मैंने अंदर सेठी में सेट कर दिया है और दोनों बच्चे घर पर ही हैं। तो कार्तिक पहले लेटा हुआ था और अब काव्या आ गई है, तो काव्या को भी खेलने जाना है। और मैं बहुत बोल रही थी, काव्या अपना फेस ठीक करा लो, कंघी करा लो, मगर काव्या कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। तो अभी यहाँ पर ये मुझसे करा रही है कंघी और ये जा रही है मेरी जिठानी के घर खेलने के लिए। और अभी आजकल आप लोग भी यही सब कर ही रहे होंगे क्योंकि मौसम जैसे चेंज हो गया है। तो यहाँ पर ये मैंने कपड़े निकाल लिए हैं और मैं यहाँ पर कपड़ों को चेक कर रही हूँ। ये मेरा एवरी ईयर का काम है, कौन से कपड़े काव्या के आएंगे, कौन से कार्तिक के नहीं आएंगे। तो बस कपड़ों को छांटना, इस तरीके से अलग अलग करना छोटे बड़े कपड़ों को, क्योंकि बच्चों का हर साल ही साइज चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर कुछ इनर मैंने निकाले हैं बच्चों के और हाई नेक वगैरह हैं, गर्म टी शर्ट वगैरह हैं। तो मैं चेक कर रही थी कि कौन से कपड़े रखूँ, कौन से उठाकर रखूँ। ये हर हाउस वाइफ का काम होता है। और गाइज, यहाँ पर आप लोग प्लीज बिल्कुल भी माइंड मत कीजिएगा, हमारे यहाँ पर यूपी में थोड़ी सी लाइट इसी तरीके से आती जाती रहती है, तो आपको वीडियोस में भी वैसे ही लाइट दिख रही होगी, कम ज्यादा कम ज्यादा। तो मैं यहाँ पर ये कपड़े चेक कर लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाली हूँ घर की क्लीनिंग, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सा ठंडा है तो सुबह सुबह अब घर की क्लीनिंग नहीं होती है। जब ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं उसके बाद ही मैं घर की क्लीनिंग करना स्टार्ट करती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अभी मौसम में ठंडक होने की वजह से सारा सब कुछ जो रूटीन है टोटली चेंज हो गया है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्लीनिंग कर रही हूँ मम्मी के बेडरूम की। तो यहाँ पर जो चादर थी इसको हटाकर बस इसे मुझे झाड़कर फिर से बिछा देना है। और आज मुझे यहाँ पर बेडशीट चेंज नहीं करनी है, तो दूसरी साइड यहाँ पर मम्मी बैठी हुई है, तो मम्मी मेरी हेल्प कर रही थी बेडशीट बिछाने में। और जो भी सामान फैला हुआ था उसको तो सबको मैंने हटा दिया है, बस वेलकम बैक टू माई चैनल एंड गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप सब? आज है संडे तो आज का दिन थोड़ा सा रूटीन जो है लेट ही चल रहा है। कितने बज गए मम्मी जी? और ये हमारे यहाँ इस तरीके से लाइट थोड़ी थोड़ी देर में आती जाती रहती है। और मैं यहाँ पर अभी थोड़े से गर्म कपड़े निकाल रही थी, ठंडे कपड़े सेठी के अंदर कर रही थी। तो ये साइड में यहाँ पर सेठी है जो ये बैठने के काम भी आती है और इसके अंदर रहता है बहुत सारा सामान। तो कुछ ढूंढ रही थी मैं यहाँ पर, बच्चों के कपड़े ढूंढ रही थी। तो मैं होली पर आई थी तो कपड़े छोड़ गई थी। हमेशा ऐसे ही होता है कि होली पर जब गर्म कपड़े लेकर आते हैं तो फिर वापसी में बहुत ज़्यादा वेट लेकर नहीं जाते थे, और दिवाली के टाइम पर फिर सारा सब कुछ लेकर जाते थे। तो अभी यहाँ पर निकले हैं दो छोटे छोटे कान्हा जी की ड्रेस, और ये ड्रेस बनाई थी मम्मी ने लास्ट ईयर और मेरे पास सर्दियों में पहुँच ही नहीं पाई। मम्मी आपने होली की तरफ बनाई थी है ना, और मम्मी ने मुझे व्हाट्सअप की थी तो बहुत अच्छी लग रही थी और मैं भूल ही गई थी, मैंने देखा ही नहीं। और अभी मैं कपड़े ढूंढ रही थी तो एक मम्मी का ऊन का छोटा सा पैक था उसमें मिले, और ये देखिए ये है कान्हा जी का जम सूट। मम्मी बिनाई बहुत अच्छी करती है, बच्चों के इतने अच्छे अच्छे मम्मी ने सूट तैयार किए थे, सॉक्स, पजामी, ऊपर का कैप वगैरह सब कुछ। और स्मॉल बेबी का तो बहुत ही अच्छा बनाती है, 2 से 3 घंटे में बनाकर रेडी भी कर देती है। और ये है कान्हा जी का जम सूट,
और देखिए बैक से इस तरीके से, तो जब कान्हा जी को पहनाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। और एक ये इस तरीके से फ्रॉक वाला सूट, ये ऐसे घेर वाला नहीं है, ये कुछ अलग टाइप से है। और ये देखिए ये क्रोसिया का काम है, शायद वीडियो में अच्छे से दिख जाए, ये मम्मी जी आपने क्रोसिया चलाई है ना। और ये है मंकी कैप, मम्मी जी आपने मंकी कैप बनाई है कान्हा जी की, ये मंकी कैप है कान्हा जी की। देखिए मैंने कभी नहीं देखा कि कान्हा जी मंकी कैप भी पहनते हैं। और मैं मम्मी को बोल रही थी कि मैं आपको ऊन लाके दूंगी और आप और भी अच्छी अच्छी ऐसी ड्रेसेस बनाना। और मेरी नज़र अभी गई, मैं सोच रही थी ऐसी लॉन्ग वाली कैप है जो सेंटर जैसी होती है, अभी मेरी नज़र पड़ी कि इसमें तो होल भी है। और ये मंकी कैप के साथ एक ये, मम्मी जी आपने कौन सा लुक दिया था इसे, थोड़ी फ्रॉक जैसी है। यहाँ पे देखिए इतनी छोटी ड्रेस में क्रोसिया का भी वर्क किया है मम्मी ने, पूरा नेक वेक ये देखिए सब अच्छे से बनाया है। और यहाँ पर ये डोरी भी लगाई है बांधने के लिए, और जम सूट में एक ये बटन भी लगाया है कि ये खुले ना। पहले मम्मी ने जैसे ये यहाँ पर खुला हुआ छोड़ दिया था, और मुझे ध्यान है जब मम्मी ने मुझे ये व्हाट्सएप किया था तो मुझे बोला था कि इसमें ये सामने से कान्हा जी का फ्रंट भी खुला रहेगा, तो सर्दी है तो जैसे कि हम सर्दियों में कान्हा जी की बहुत सेवा करते हैं, गर्म कपड़े पहनाते हैं, गर्म पानी से नहलाते हैं, बच्चे की तरह हम कान्हा जी को मानते हैं। तो मम्मी कह रही थी कि इसमें देखो उन्होंने बटन भी लगा दिया है। तो कैसी लगी आपको कान्हा जी की ड्रेस, और आज की संडे की शुरुआत हुई है बहुत अच्छी। और अभी हम लोगों ने खाए हैं नाश्ते में काले वाले चने और चाय सबने पी ली है। और मम्मी यहाँ पर चला रही है अपना फ़ोन, मम्मी जी हेलो कर दीजिए। हेलो। और मैं यहाँ पर कर रही थी थोड़ी सी डस्टिंग, और मैंने कल नाइट में एक वीडियो पहले शूट किया फिर एडिट किया और अभी मॉर्निंग में उसे अपलोड कर दिया, लेकिन आपके साथ शेयर नहीं कर पाया है। और वो वीडियो है मेरे सेकेंड चैनल के लिए। और गाइज आपको कल के मॉर्निंग वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैं हिना लगा रही थी, और कल नाइट के वीडियो में मैं अपने हेयर्स की ऑयलिंग कर रही थी, और अभी मैंने मॉर्निंग में कर लिया है शैम्पू, तो मेरे हेयर्स का कलर कुछ इस तरीके का आया है। और मुझे थोड़ा सा ये वाला कलर जो हेयर्स का होता है, जो हमारे रियल हेयर कलर होता है, उससे ये वाला जो कलर होता है बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसीलिए बस थोड़ी सी हिना लगाती हूँ। और अभी बहुत अच्छा लग रहा है, तो अभी हेयर्स में मैंने कॉम्ब वगैरह कुछ नहीं किया है, और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी डस्टिंग कर दी है। ये वाले कपड़े मैंने निकाल कर रखे हैं, इनको भी ऊपर लेके जाऊँगी, मशीन लगाऊँगी। और थोड़े से कपड़े मुझे ढूंढने में मिल गए हैं बच्चों के गर्म, वो भी सब ऊपर ले जाकर अलमीरा में सेट करूँगी। और चलते हैं बाहर के कमरे में, थोड़ी सी डस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। और अभी यहाँ पर मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है बाहर के रूम की, तो यहाँ पर पहले जो टीवी के पास टेबल रखा हुआ था इसे मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। और ये टेबल मैं आपको दिवाली के टाइम पर दिखाना भूल गई थी, यहाँ पर मैंने एक बहुत ही सुंदर सा एक कपड़ा बिछाया हुआ है, और उसके बाद वहाँ पर स्टेबलाइजर था और एक छोटा सा फ्लावर पॉट है, एक दो पापा जी की ज़रूरत के सामान है वो वहाँ पर रखे हुए हैं। और इसके साथ ही जो बेड है इसे मैं क्लीन कर दूंगी, तो यहाँ की भी मैं बेडशीट चेंज नहीं कर रही हूँ क्योंकि दोनों ही बेड की बेडशीट अभी गंदी नहीं है, तो यहाँ पर ये बेडशीट ठीक हो चुकी है। इसके साथ ही मैं यहाँ पर जो पिलोज़ वगैरह हैं उन सबको रख दूंगी, और यहाँ पर मैं पिलो एक दो एक्स्ट्रा मैं ही रखती हूँ, आप लोग हमेशा वीडियोज़ में देखते होंगे, क्योंकि पापा जी को थोड़ा सा ऊँचा पिलो लगाने की आदत है, और ये लोग टीवी जब देखते हैं तो काफ़ी सारा ऊंचा पिलो कर लेते हैं, तो मसंद और पिलो डबल डबल कर कर इस तरीके से लगाते हैं, तो ये बेड पर हमेशा एक्स्ट्रा में पिलो और मसंद इसी तरीके से रहती हैं। तो ये बेड तो अच्छे से सेट हो चुका है, साथ ही मैं ये जो चेयर्स हैं इनको मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया है, क्योंकि जब आंटी आती हैं तो मैं ये रूम पूरा फैला हुआ नहीं रहने देती हूँ। यहाँ पर जो भी सामान होता है, बच्चों के टॉयज़ हो गए, बुक्स हो गई, क्योंकि मेरे बच्चों का तो कुछ अता पता नहीं है कि वो किस टाइम पर पढ़ रहे हैं, किस टाइम पर खेल रहे हैं, जब उनका मन होता है थोड़ी देर पढ़ते हैं थोड़ी देर खेलते हैं, तो ऐसे उनका रूटीन चलता रहता है, तो कुछ ना कुछ उनका सामान बाहर रहता ही रहता है, तो वो सारा सब कुछ मैं समेट लेती हूँ। और के साथ ही यहाँ पर मैं सोफ़े के कवर को भी ठीक कर रही हूँ, क्योंकि सोफ़े के कवर भी ये एवरीडे के हमारी क्लीनिंग में आते ही आते हैं, ये थोड़ा सा अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने बस इनको हटाकर झाड़कर एक बार फिर से बिछा दिया है। और उसके बाद ये देखिए ये एक्स्ट्रा पिलो सोफ़े पर रखा हुआ था, ये काव्या ने रखा हुआ था, कल वो सोफ़े पर पिलो रख कर लेटी हुई थी,
तो यहाँ पर ये सारा सबको सामान मैंने हटा दिया है, और ये पर्दे हैं जो कि किचन में लगाने हैं, तो दिवाली के टाइम पर मैंने वहाँ पर नहीं लगाए थे, तो मैं अभी इनको सेट कर दूंगी। तो पर्दे सेट हो चुके हैं और उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर मैं किचन को क्लीन कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट ही अभी बनाए, तो थोड़ा सा किचन ज़्यादा फैला नहीं है क्योंकि सुबह काले वाले चने बने थे। तो यहाँ पर मैं पहले किचन की स्लैब को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, और दूध भी आ चुका है, दूध की बाल्टी अभी ऐसे ही रखी हुई है, तो दूध गर्म करने रखूँगी। और अभी मैं यहाँ पर बनने के लिए रख रही हूँ चाय, क्योंकि मेरे घर में ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है लकड़ी का, तो जो लोग काम कर रहे हैं उनकी चाय बनती है इस टाइम पर। तो यहाँ पर ये चाय बनाकर मैं ऊपर भिजवाऊँगी, और चाय जाने के साथ ही मैं दूध गर्म करने रखूंगी। तो अभी थोड़े से चने कढ़ाई में रखे हुए हैं गैस पर। तो यहाँ पर अभी मॉर्निंग में मेरी नीचे के घर की इतनी ही क्लीनिंग होती है मेरे लिए, तो डाइनिंग टेबल पर अभी कुछ नहीं है, डाइनिंग टेबल क्लीन हो चुकी है, तो इसलिए डाइनिंग टेबल मुझे क्लीन नहीं करनी है, तो मैं आपके साथ भी यहाँ पर शेयर नहीं कर रही हूँ। साथ ही साथ आंगन की क्लीनिंग आंटी करती हैं, और ये बर्तन है थोड़े से जो कि आंटी धोकर जाती है। तो कल इवनिंग में मैंने बर्तन ही नहीं लगाए थे, और कभी कभी हो जाता है ना कि मन नहीं करता है कि अभी काम ना करें, थोड़ी देर में कर लेंगे, तो बस वही था। तो अभी जो बर्तन है इन सबको मैं यहाँ पर स्टैंड में लगाने वाली हूँ, और जो भारी वाले बर्तन है इनको मैं नीचे एक टब में रखती हूँ, नीचे की तरफ जो रैक में है अंदर टब उसमें, और सारे बर्तन मैंने लगा दिए हैं। यहाँ पर चाय भी बन चुकी है, तो गाइज बस यहाँ पर ये काम मेरा फिनिश होता है। ठीक है गाइस, तो मैं आ गई हूँ अभी ऊपर, और मैंने मॉर्निंग में ही एक वीडियो अपलोड पर लगा दिया था। वीडियो अपलोड बहुत देर का हो चुका है और मैं उसे अभी शेयर करूँगी। तो उससे पहले मैंने यहाँ पर मशीन लगा दी है, और ये रूम बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, सारा सब कुछ समेट लिया है, और टेबल पर दिख रहे होंगे आपको बहुत सारे बर्तन। ये सारे बर्तन नीचे जाने हैं जो कि ऊपर धीरे धीरे कर कर आते रहते हैं। और अभी बेडरूम भी मैंने देखो ठीक किया है, थोड़ा सा फैला हुआ था चादर वगैरह, और मैंने यहाँ पर लगा दी है मशीन, तो कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं। और आज मैंने मॉर्निंग में मेरा वॉश बेसिन क्लीन नहीं कर पाया है, देखो गंदा हो रहा है। एक्चुअली है क्या, इसमें थोड़ा सा ये तिरछा लग गया है, तो इसकी साइड्स में पानी भर जाता है, तो इसकी वजह से मुझे ये एवरी डे ही क्लीन करना पड़ता है। और ये जो कपड़े नीचे से गर्म वाले बच्चों के निकाले हैं, इनको मैं करूँगी अलमीरा में सेट। और फ़ोन लगाना है चार्जिंग में, फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो चुकी है, बस बोल ही रहा है टू टू करके। तो चलिए पहले फटाफट से अपना काम कर लेते हैं। आज संडे है, लेकिन संडे बिज़ी बहुत होता है, रिलैक्सिंग वाला भी होता है, हैप्पी भी होता है, और संडे होता है बिज़ी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर दो एक ये कपड़े हैं, ये धुलने वाले नहीं है, तो मैंने इनको ऐसे ही रहने दिया है। तो पहले फटाफट से कपड़े धुलूँगी, आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। और ये वाले जो कपड़े लेकर आई हूँ ये अलमीरा में सेट करूंगी, और ये वाले धुलने वाले हैं, और ये वाले न्यू कपड़े हैं, तो मैं इनको अलग से वॉश करूंगी, क्योंकि ये गर्म कपड़े हैं तो सब कपड़ों के साथ में तो नहीं डालूंगी। तो चले गए, फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर कर रही हूँ कपड़े वॉश, और मैंने यहाँ पर ये बच्चों की यूनिफॉर्म वॉश की है। तो जैसे कि वेदर चेंज हो गया है, तो बच्चों की गर्म यूनिफॉर्म मैंने परचेज कर ली है। और अभी बीच में जैसे कि मैंने आपके साथ ब्लॉग शेयर नहीं किए थे, उसी टाइम पर मैंने बहुत सारी शॉपिंग भी की थी, तो बच्चों की यूनिफॉर्म आ चुकी है। और ये कपड़े मैं थोड़े से हैंगर पर लगा रही थी, और उस कपड़े वॉश करने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे। तो यहाँ पर ये लंच की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ पर एक साइड बन रही है कढ़ी, और एक साइड बन रहा है ये घी। तो जैसे कि मैंने आपको अभी एक ब्लॉग में शेयर किया था कि मलाई जमा कर उसको चलाकर हम घी बनाते हैं, तो यहाँ पर ये कढ़ी अभी पकने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, अभी ही बनने के लिए रखी हुई है।
और यहाँ पर एक साइड ये घी बनेगा, घर का बना हुआ घी बहुत अच्छा होता है। और आज यहाँ पर ये बनाई है चाट, ये मम्मी ने पकौड़ियाँ बना ली थी तो बस सर्व मैंने किया है, और अभी 3-4 बारी हाल फिलहाल में मैंने इसको बनाया है तो बहुत टेस्टी बन रहा है। और नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ इसे ज़रूर शेयर करूँगी, इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। बहुत टेस्टी है, बहुत ही ईजी एंड क्विक भी बन जाती है, कोई ज़्यादा तामझाम इसमें नहीं लगता है। गाइस, तो मैं आपसे मिल रही हूँ अभी रात के 9:40 पर, और आज था संडे, तो आज का जो मेरा दिन है, आज का जो संडे है, तो मैं सोचा क्यों ना आपके साथ अभी थोड़ी सी बात कर ली जाए। एक्चुअली लंच भी हो गया, डिनर हो गया, इवनिंग टी टाइम हो गया, और मैंने आपके साथ ज़्यादा कुछ भी शेयर नहीं कर पाया, तो अभी मन कर रहा था कि आपके साथ थोड़ी सी बात कर लूँ। और होता है ना कि कभी कभी खुद के लिए भी कुछ कर लेना चाहिए, मेरा मन नहीं कर रहा था तो फिर मैंने ब्लॉग भी शूट नहीं किया। और अभी गया है फेस्टिवल टाइम, तो मैं आप सबसे थोड़ी सी माफ़ी भी मांगना चाहूँगी, अभी मैं आपके साथ कोई भी रेसिपी शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी जो मेरे घर का रूटीन है बहुत ही सिंपल तरीके से लंच और डिनर चल रहा है, तो कोई भी ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा में खाना नहीं चाहता है। तो जो भी हम कुछ अच्छा बनाते ही हैं तो जो हमारे डेली का सिंपल वाला खाना होता है उससे थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो घर में कोई खाने को रेडी नहीं है। जब हम बनाते हैं तो घर में भी सब खाते ही खाते हैं, तो मैंने अभी कुछ नहीं बनाया पिछले 2-3 दिन से, ब्लॉग्स में मैं आपके साथ कोई भी रेसिपीज़ वगैरह शेयर नहीं कर रही हूँ। और आज मन कर रहा था आपके साथ कुछ शेयर करूँ, और मॉर्निंग में एक बहुत ही अच्छी रेसिपी थी जो मैं आपको दिखा रही थी, जो बेसन की जैसे चाट पकौड़ी टाइप की थी। नेक्स्ट टाइम आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, मम्मी ने 2-3 बार बनाकर खिलाई है और बहुत टेस्टी लगती है। मतलब मेरा मन कर रहा है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, बहुत अच्छी, आप लोग भी ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और आज संडे था तो संडे बहुत अच्छा गया है, थोड़ा सा रिलैक्सिंग संडे था। संडे यार ऐसे ही होता है, बिजी भी होता है, थोड़ा सा काम तो होता ही है संडे वाले दिन, तो आज मशीन वगैरह सब कुछ लग गई थी। और इवनिंग में आज मुझे जाना था थोड़ा सा मार्केट, लेकिन फिर नहीं जा पाई, क्योंकि मार्केट जाना है तो शाम को थोड़ा सा जल्दी चले जाओ, फिर इवनिंग में हो जाता है लेट। और कल सैटरडे में बच्चों ने पढ़ाई वगैरह नहीं की थी, तो उन्होंने आज सारी पढ़ाई वगैरह अपनी की है, और मार्केट नहीं जा पाई हूँ, तो देखती हूँ मार्केट 1-2 दिन में ही जाऊँगी। और संडे था फिर भी नहीं जा पाई, थोड़ा सा लेट हो जाता है यार, सर्दी जैसा मौसम हो गया, शाम को 5 बजे से ही ऐसा लगने लगता है शाम के 7 बज गए हों, 8 बज गए हों, तो फिर अब मन नहीं करता है जाने का। और बस मैंने सोचा क्यों ना अभी नाइट हो गई है, आपके साथ मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, और आज का ये मेरा संडे का बहुत ही छोटा सा ब्लॉग रहा है। और कभी कभी खुद के लिए भी कुछ कर लेना चाहिए जैसा खुद को अच्छा लगे। तो पिछले 2-3 दिन से मैंने आपके साथ ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया है वीडियोस में, आप लोगों को भी दिख रहा होगा, तो कोई रेसिपीज नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा सा हेयर केयर, हेयर ऑयलिंग, इस टाइप के मैंने वीडियोज़ आपके साथ बहुत ही टोटली डिफरेंट वीडियोज़ आपके साथ शेयर किए हैं, बट मुझे जो कम्फर्टेबल लग रहा था और जो भी मुझे करना अच्छा लग रहा था वही सब कुछ मैंने किया, और मैंने आपके साथ ये वाले वीडियो शेयर किए। तो गाइज, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी, और मैं आपसे मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट मॉर्निंग में। और अगर आपको ये वाला वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो बोल रहे हैं कि मैं उनका नाम लूँ, तो नेक्स्ट टाइम पक्का ज़रूर लूँगी आप लोगों का नाम। और आप मेरे सेकंड चैनल को भी वॉच कीजिएगा, अपना प्यार वहाँ पर भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गाइस, आगे मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।